भारत ने अब आतंकियों और आतंक के सरपरस्तों को डंके की चोट पर कह दिया है कि अब उनके सामने सुधरने के अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर वो फिर भी नहीं सुधरेंगे तो फिर क्या किया जाएगा, क्या होगा, ये भी उन्हें बता दिया गया है। भाई और बहनों, आप मुझे बताइए, भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आतंकियों को सजा देना जरूरी था या नहीं था? ऐसे नहीं, जवाब बड़े बड़े लोगों के कान तक पहुंचना चाहिए। आतंकियों को सजा देना जरूरी था या नहीं था? आतंक के आकाओं को दो टूक संदेश देना जरूरी था या नहीं था? हमारे वीर जवानों ने सही जगह वार किया कि नहीं किया? मैं आप धारवासियों से पूछ रहा हूं, मेरे जनजातीय समुदाय के भाइयों बहनों को पूछता हूं, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले मेरे भाइयों से पूछना चाहता हूं, आप मुझे ईमानदारी से बताना, क्या आपको हमारी सेना की जो पराक्रम है, हमारी सेना का जो पराक्रम है, उस पराक्रम पर आपको गर्व है? गर्व है? गर्व है? साथियों, आपको लगता है कि हमारे वीर जवानों ने सही किया, पूरे देश को लगता है कि हमने सही किया? अरे, सारी दुनिया ने कह दिया था कि हां, हिंदुस्तान के लिए यही मार्ग था, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हां, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा नहीं लगता है। भाइयों और बहनों, जिस पार्टी ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया, जिस पार्टी के नेताओं ने हमारी पराक्रमी सेना के हाथ बांध करके रखे, उसके नेता अब हमारे वीर जवानों के सामर्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं। और इसमें भी मध्य प्रदेश के एक नेता जरा और आगे नजर आते हैं। साथियों, आज सुबह ही इन महाशय ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले को दुर्घटना करार दिया है, यानी एक्सीडेंट है ऐसा कहा है, यानी एक हादसा जो बस हो गया। देशवासी समझ लें, ये ऐसे ही नहीं बोले हैं, ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी रगों में पड़ा हुआ है। आतंकियों को बचाने के लिए, उनका पक्ष लेने के लिए अब ये उनके द्वारा किए गए हमले को सिर्फ एक हादसा बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या पुलवामा में जो हुआ वो हादसा था क्या, एक्सीडेंट था क्या? क्या ये आतंकी हमले की राक्षसी कृत्य की गंभीरता को कम करने की कोशिश है कि नहीं है? साथियों, नामदार परिवार के ये वही खास सिपाही सालार हैं
जिन्हें आतंक को बढ़ावा देने वाले अब शांति दूत नजर आने लगे हैं। ये वही महोदय है जिनको दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन शांति दूत लगता था। यही वो महाशय है जिन्होंने मुंबई के दर्दनाक आतंकी हमले में भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी और जांच की दिशा को ही भटकाने का प्रयास किया था। साथियों, हमारी सरकार ने आदिवासियों जनजाति के हितों को भी हमेशा सर्वोपरि रखा है। वन धन योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जंगल से जो आप उपज लेते हैं उसकी बेहतर कीमत आपको मिल पाए। वन उपज में मूल्य वृद्धि करने के लिए वन धन केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसी तरह वन उपज पर जो समर्थन मूल्य सरकार देती है उसमें बीते 4.5 वर्ष में 3 बार बढ़ोतरी की गई है। अभी दिसंबर में ही 23 उपजों का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, इस दौरान सरकार द्वारा एमएसपी के दायरे में आने वाली फसलों में भी वृद्धि की गई है। साल 2014 से पहले जंगल से मिलने वाली 10 फसलों पर एमएसपी मिलता था, अब करीब करीब 50 फसलें इसके दायरे में है। हमारी सरकार ने ही बांस के कानून में भी बदलाव किया। अब आप अपने खेत में भी बांस उगा सकते हैं और उसको बेचकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। पहले ऐसा संभव नहीं था क्योंकि बांस को काटने में तमाम कानूनी अड़चनें थी। भाइयों और बहनों, धार की चित्रकला और यहां बनी बांस की कलाकृतियां तो देश और दुनिया में मशहूर है। बांस से बने सामानों की बहुत मांग है। यहां के स्थानीय उत्पादों को बड़ा बाजार मिले इसके लिए तकनीक का भी इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। ट्राइफेड यानी भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ का ऑनलाइन कारोबार में भी विस्तार किया गया है। साथियों, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा से लेकर कौशल और रोजगार तक के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हमने जनजातीय क्षेत्रों में एक लव्य मॉडल स्कूल खोलने का अभियान चलाया है। इसके तहत 20,000 से अधिक की आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों में स्कूल खोले जा रहे हैं। साथियों, देश की आजादी से लेकर देश के विकास में जनजातीय आदिवासी नायकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। विशेष तौर पर 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में आदिवासी सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। भाजपा सरकार ने इस योगदान को सम्मान देने का काम भी कर रही है। आजादी की लड़ाई में जिन आदिवासी बेटे बेटियों ने बलिदान दिया है उनकी याद में देश भर में स्मारकों का निर्माण हो रहा है। साथियों, किसानों के नाम पर गांव गांव घर घर जाकर कैसे उन्होंने वोट मांगे थे ये आपको भी याद होगा। कहा था 10 दिन के भीतर पूरा कर्ज माफ कर देंगे और फिर कहते थे छोटे बच्चों को जैसे मास्टर जी पढ़ाते ने 1, 2, 3 हुआ था ना सर 10। जिनको पौधा किसको कहते हैं पेड़ किसको कहते हैं इसका ज्ञान नहीं है। और खेती और किसानी के विशेषज्ञ बनकर यहां के लोगों से बड़े बड़े वायदे कर रहे थे। फिर याद करिए क्या कहा था, 10 दिन में पूरा कर्ज माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री को पूरी तरह से जरूर बदल दूंगा। क्या कर्ज माफ हुआ? क्या
जरा पूरी ताकत से बताइए, किसानों का पूरा कर्ज माफ हुआ क्या? कर्ज माफ हुआ क्या? पांच बार बोलिए, कर्ज माफ हुआ क्या? कर्ज माफ हुआ क्या? किसानों का कर्ज माफ हुआ क्या? किसानों का कर्ज माफ हुआ क्या? किसानों का कर्ज माफ हुआ क्या? अगर कर्ज माफी नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री तो जरूर बदल गया होगा। क्या बदला है क्या? मुख्यमंत्री बदला है क्या? उन्होंने जिसको बिठाया था वही है ना, जिसने वादा किया था वही है ना। अब बताइए, ये मध्य प्रदेश के लोगों के साथ वादा खिलाफी है कि नहीं है? ये आपकी आंख में धूल झोंकी कि नहीं झोंकी? ये झूठ बोलने में माहिर है कि नहीं है? ये लोगों को मूर्ख बनाने का खेल खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? भाई और बहनों, इनको ना किसान की फिक्र है, ना उन्हें जवान की, और न ही उनको देश के नौजवान की चिंता है। इन्हें सिर्फ धोखा देना आता है। धार को भी इन लोगों ने हमेशा धोखा ही दिया है। आप मुझे बताइए, इंदौर दाहोद रेल लाइन का भूमि पूजन 2008 में किया गया था, किया गया था कि नहीं? उसके बाद वो भूल गए कि नहीं भूल गए? वादा खिलाफी की कि नहीं की? आपके पीठ में छुरा भोंका कि नहीं भोंका? अब हमारी सरकार इस काम को पूरा कर रही है। भाई, जब शिवराज जी की सरकार यहां थी तो विकास के बहुत से कार्य हुए थे। उनकी सरकार के जाने के बाद और कांग्रेस सरकार के आने के बाद अब मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, आप और यहां के लोग खुद महसूस कर रहे हैं।